नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो आपने देखा होगा कि थंबनेल मैंने लिखा है, जिंदगी जीने के लिए है, रोने के लिए नहीं। तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं कि हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड जितने भी हैं, कि जब भी कोई जॉब की तलाश में होते हैं, जब भी कोई स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है या पढ़ाई में एग्जाम खराब हो जाती है, तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और आंसू बहाना शुरू हो जाता है। यार नहीं, बहुत खराब हो गया मेरा एग्जाम, बहुत दुखी। उस टाइप से बहुत सारा सिचुएशन आते हैं लाइफ में कि हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, एवरी डे वी आर बिकमिंग ओल्डर एंड ओल्डर। हर दिन हम एक नए पड़ाव की तरफ जा रहे हैं और हर दिन हम एक दिन गवा रहे हैं अपनी जिंदगी के। हर एक दिन, चाहे हम खुशी से गवा रहे हैं, चाहे हम दुख होकर गवा रहे हैं, एक दिन हमारी जिंदगी का कम घटते जाता है। तो मेरा बोलने का यह संदर्भ है कि कभी भी कोई भी पल आए, है ना, उसको अच्छे से जीना सीखे। उस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या चीज है, कैसे है, ना कि उस चीज को लेके हम दुखी होकर बैठने से क्या होगा, हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण जो डे था, जो दिन था, हमसे निकल के चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। किसी भी नहीं पता है कि हमारा लाइफ स्पन जो है, हम कितना दिन तक जीने वाले हैं। एवरेज अगर हम बात करेंगे तो अलग बात है, लेकिन हम इंडिविजुअल का अगर बात करते हैं, हम कितना दिन तक जीने वाले हैं, किसी को भी पता नहीं है। सो एवरी बीट जो भी आपको मिलता है, उसमें कुछ वर्क करने की कोशिश करें। आप स्टूडेंट हैं तो आपका वर्क है पढ़ाई करना, बेस्ट से बेस्ट वर्क देना, ठीक है। और जब भी आपका एग्जाम खराब हो जाए या फिर आपको लगे कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें दुखी नहीं होना है। यू हैव टू वर्क हार्ड, ओके। और ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत है, आप आगे वर्क करिए, आपको बिल्कुल भी सक्सेस मिलेगी। तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। एक स्टेटमेंट बोला गया है, लाइफ इज ब्रीफ, ट्रबल एंड पेनफुल। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत दुख भरी है और बहुत कष्टदायक भी है। तो इसको क्या करना है, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें दोस्तों। कभी ऐसा होता है कि नहीं, तो आप ऐसा लगेगा कि आप जी रहे हो, आपने कब खुश हुआ था, आपको समझ में नहीं आ गया कौन सा दिन आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन था, आपको पता नहीं चलेगा। सो एवरी डे यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। आपको लाइफ को समझना है, लेकिन लाइफ को समझते समझते क्या है, आपका जो वर्क है, आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको दिया गया है या आपके पास है, उसको नहीं छोड़ना है। हमेशा यू हैव टू डू योर वर्क एवरी डे, ओके। हमेशा वर्क करना है और आगे बढ़ते रहना है, स्टडी करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, हर एक चीज से नया नया चीज सीखते रहना है, ओके। आशा करता हूं दोस्तों, आप जिंदगी में कभी दुखी होने की कोशिश न करें, और नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो को देखने के बाद अभी कभी जिंदगी में दुखी होने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी अगर टाइम मिलेगा तो मेरे जो लाइफ जो था, मैंने कैसे स्ट्रगल किया, या टुडे स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, ओके, मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा हूं, या फिर भी कोशिश करता हूं एवरी डे कुछ वर्क करूं, और बहुत सारा वर्क कर रहा हूं। आपको मैं अपना पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, है ना, कैसे हमने स्टार्ट किया, या हम क्या काम करते हैं, या किस पोस्ट में अभी हम है, या जो भी है, हमारा जितना भी डिटेल्स है मैं सारा आपको बताऊंगा। लेकिन एक ही चीज है, अपना हौसला जो है हमेशा बुलंद करके रखिए, कभी हार ना माने, है ना, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।